हाय फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट और डिजाइनर रेसिपीज वाले हमारे यूट्यूब चैनल मील्स एंड गैजेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आम का मीठा अचार बनाएंगे। इसे कुछ लोग आम की मीठी चटनी भी कहते हैं। हमारे फ्रिज में थोड़ी सी 2-3 दिन पुरानी कच्ची आमियाँ पड़ी थी जो कि हल्की पीली हो चुकी थी, इसलिए हमने सोचा इस हल्की पकी हुई आमियाँ का कुछ तो करना ही चाहिए। तो हमने इस आमियाँ का इंस्टेंट मीठा अचार बना लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे फैमिली मेंबर्स ने यह अचार 2 दिन में खाकर ही चट कर दिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास हल्की पकी हुई कुछ आमियाँ हैं जो वेट में करीब 250 ग्राम हैं। इस आमियाँ को हमने अच्छे से पानी से धो लिया है और इसके बाद हमने इस आमियाँ को सुखा लिया है। अब हम इस आमियाँ के टॉप को काट कर इसे पीलर से छील लेंगे। देखिए, हम बहुत ही फटाफट पीलर से आमियाँ छील रहे हैं और हमारी पूरी आमियाँ अब छिल कर तैयार हो चुकी है। सभी अमियां को छीलने के बाद अब हम कद्दू कस के मोटे ब्लेड से इस छीली हुई अमियां को घिस लेंगे। देखिए हम कितनी फटाफट इस अमियां को घिस रहे हैं। इसी तरह हम अपनी पूरी छीली हुई अमियां घिस लेंगे। देखिए, हमारी पूरी अमियां घिसकर अब तैयार हो चुकी है। अब हमारे पास आम का घिसा हुआ लच्छा है। आम के इस लच्छे को हम बोल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इस इंस्टेंट मीठे अचार को बनाने में हम किस किस मसाले का प्रयोग करने वाले हैं। इसके लिए हमने 2 इंच अदरक के टुकड़े को लंबा काट कर लिया है। इसके अलावा हमने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। हमने 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी जो वेट में 200 ग्राम है, और इसके अलावा हमने 1/4 टीस्पून हींग को भी लिया है। सबसे पहले हमने अमिया के घिसे हुए लच्छों में लंबी काटी हुई अदरक डाल दी है। इसके बाद हम इस पर काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने के बाद हम इस पर पिसी हुई चीनी डालेंगे। 200 ग्राम पिसी हुई चीनी डालने के बाद हम इस पर पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। बोल में ये सभी सामग्री डालने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से चलाकर मिला देंगे। हम इसे 2 मिनट तक चलाकर मिलाएंगे। लीजिए, जादुई स्वाद वाला आपका इंस्टेंट अचार अब खाने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा टाइम तो आपको मूली का कस बनाने में लग जाएगा। यदि आपको इस अचार को पूरे साल रखकर खाने वाला बनाना है तो इस अचार का वीडियो भी हमारे चैनल पेज पर पड़ा है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, जब बाज़ार में मजबूत कच्ची आमियाँ आ जाए तो इसे घिसकर इसमें सफ़ेद नमक और चीनी लगाकर धूप में रख दें, और जब इसमें एक तार की चाशनी आ जाए तब आप इसमें मसाले लगाकर जार में भर लें। साल भर रखने के लिए जो आप अचार बनाएंगे उसमें एक भी अमिया पीली नहीं होनी चाहिए। हमने अपने चैनल मील्स एंड गैजेट्स पर अचार की एक लंबी श्रृंखला डाली है और अचार की ये श्रृंखला दिन प्रतिदिन लंबी ही होती चली जा रही है। आप रोज़ नए टेस्ट का इंस्टेंट अचार बनाकर अपने डिनर को और भी ज़्यादा क्रेजी बनाएं कि आज डिनर में कौन से नए टेस्ट का अचार होगा। अब हम इस तैयार अचार को जार में भरेंगे। एक बात और, जब पूरे साल रखने के लिए आप अचार को जार में भरेंगे तो उससे पहले आप जार को अच्छे से धोकर पोंछ लें और जार में पूरे दिन की धूप लगा दें ताकि जार का मॉइस्चर निकल जाए। फ्रेंड्स, आप हमारे द्वारा बताए गए ये अचार एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। हमारे ये सभी अचार बहुत टेस्टी बनते हैं और आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आप लोग कौन कौन से अचार ट्राई कर रहे हैं और आपको कौन सा अचार सबसे अच्छा लगा है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे मीठे अचार की रेसिपी का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारी अन्य स्वादिष्ट रेसिपीज के वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में और आई बटन में पड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।